बोल रहा हूं सर, जरा आप ये बताइए, मेटल सेक्टर जिसका कि ग्लोबल लिंकेज काफी ज्यादा है, चाइना पर डिपेंडेंस भी काफी ज्यादा है, हमने देखा था कि पिछले दिनों में थोड़ा रन अप आया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर बन रहा है, चाइना के डेटा भी खराब है, ग्लोबल माहौल भी खराब है, क्या इनसे दूर रहें या फिर आपको कोई सिल्वर लाइनिंग दिख रही है विद इन मेटल? नहीं, मेटल में जरूर सिल्वर लाइनिंग्स हैं, क्योंकि जब हम कमोडिटी प्राइसेस देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ था, क्योंकि बहुत ही बड़ा रन अप हुआ था। अगर आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 का कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई तक चले गए थे, अब वो रैली का 80% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो काफी हद तक जो करेक्शन है अंडरलाइंग प्राइसेस में वो हो गया है। हम लोग शायद लास्ट स्टेजेस में इसको कुछ दिन और दे दें, क्योंकि अगर कुछ और पेन बाकी है मेटल इंडेक्स में या मेटल स्टॉक्स में, तो 2-4 दिन देके वो चीज भी शायद हो जाए, जितना भी डाउनसाइड है वो हो जाए। बट यहाँ से कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे कि मेटल प्राइसेस रिकवर करेंगे और उसके पीछे पीछे फिर मेटल स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे जरूर। बस थोड़े थोड़े दिन और देखने की जरूरत है, और उससे शायद क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। जी रोहित सर, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक पर आपसे मैं खास एक बार आपसे मैं राय जानना चाहूंगा। 1600 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से बहुत स्मार्टली चल रहा है। कल के सत्र में सारे बैंक गिर रहे थे, एक्सिस बैंक को छोड़ के एचडीएफसी बैंक चल रहा था, आज सारे बैंक गिर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक फिर से 1.5% ऊपर है। क्या मौजूदा लेवल पर इसको अकोमोडेट करना चाहिए और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं? सी, मैं स्पेसिफिकली स्टॉक रिकमेंडेशन दे नहीं सकता बिकॉज वी आर नॉट एडवाइजर्स। बट जो मैंने बात पहले कही कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जैसे कि एचडीएफसी, उनके जब हम वैल्यूएशन चार्ट्स देखते हैं तो दे आर एट 10-ईयर लोज, मतलब 10 साल के लो पॉइंट पे हैं इनके वैल्यूएशन चार्ट्स। और इनकी जो मोमेंटम है वो वीकली और मंथली चार्ट्स पे भी पॉजिटिव होने लग गए, तो ध्यान देना जरूरी है। लेवल्स मैं जरूर नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए। ठीक है रोहित जी।